फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अरे ये क्या, ये तो बड़ा ही सिंपल सा खाना है, चावल और कढ़ी। वैसे चावल और कढ़ी काफी सैटिस्फैक्टरी भोजन में आता है हम सभी के लिए। दोस्तों, आपको मालूम है ये कढ़ी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मैं आपको बताती हूँ, ये कढ़ी सबसे पहले राजस्थान में जो घी निकालते हैं दूध से, उसके बाद जो छाछ बच जाता है, लोग पहले उस छाछ में मक्के की आटा डाल करके कढ़ी बनाना स्टार्ट किए थे। तो आज जो है उस छाछ का स्थान दही ने ले लिया है और मक्के की आटे का स्थान बेसन ने ले लिया है। अगर हम पूरे भारत में देखें तो साउथ से नॉर्थ तक कढ़ी बनाने का अपना अलग अलग तरीका होता है और हर जगह ये कढ़ी जो बनता है, इसकी खासियत ये है, ये बहुत ही लाजवाब होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसे हम साधारण चावल के साथ खाएं तो इसका कोई जवाब नहीं। और हमारे झारखंड बिहार में तो इसे होली में जरूर बनाया जाता है, ये एक ट्रेडिशनल में ही शामिल है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम आज आपको ले चल रहे हैं कढ़ी बनाने की प्रोसेस में। कढ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 अनियन और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 2 चीनी। इसे मैं जो हूँ कंप्लीट कट करूंगी। सबसे पहले मुझे पकौड़ी बनाना है, तो कढ़ी की पकौड़ी बनाने के लिए मैंने बेसन में थोड़े से हल्दी, नमक और अजवाइन को हाथ से थोड़ा सा रगड़कर डाला है और मंगरैले को भी डाला है। और मैंने जो है अनियन कट करके रखे हैं और मिर्चे, इसे भी मैं आराम से हाथ से मैश करके डालूंगी। ये डल जाने के बाद हम जो है इसमें थोड़ा सा चुटकी भर का सोडा यूज करेंगे और हाथों से ही इसे अच्छे से धीरे धीरे मिलाएंगे। इसे हम, ये देखिए, इसे आपको एक डायरेक्शन में ही मिलाना है। और मिला लेने के बाद इसे जो है थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए कंप्लीट अच्छा सा पेस्ट बना लेना है इसे, गाढ़ा सा। फिर जो है हम इसे तलने के प्रोसेस में आएंगे, क्योंकि कढ़ी बनाने से पहले हमें इसका पकौड़ा रेडी करके रख लेना है। ये मैंने एक कढ़ाई गर्म की है और इसमें फॉर्चून का ऑयल डाला है। ये गर्म हो चुका है और अब जो है हम हाथों से ही छोटे छोटे मीडियम साइज के पकौड़े गर्म तेल में डालेंगे। ये देखिए, गैस का फ्लेम जो है हमें मीडियम रखना है। मीडियम रखते हुए हमें जो है पकौड़े को धीरे धीरे अच्छे से तल लेना है। ये देखिए, हमारा पकौड़ा जो है अच्छे से रेडी हो रहा है और इसमें काफी अच्छे क्रंचेस आए हैं। आप चाहे तो इस पकौड़े को ऐसे भी खा सकते हैं और कढ़ी में तो इसकी बात ही कुछ और है। हमारा पकौड़ा बनकर रेडी हो चुका है और अब जो है हम चलेंगे कढ़ी बनाने की प्रोसेस की ओर। ये कढ़ी बनाने के लिए मैंने जो है 1 अनियन कट किया है, ये चॉप चिली और गार्लिक और जिंजर और 2 कड़ी पत्ते मैंने लिए हैं और बचे हुए ऑयल को ही मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है कढ़ाई में, ये देखिए। और अब जो है इसे हम आगे की प्रोसेस में लग जाएंगे। मैंने इसमें सरसों यूज किया है क्योंकि सरसों काफी अच्छा फ्लेवर देता है कढ़ी में। और मैंने इसमें चॉप्ड गार्लिक, जिंजर और अनियन, चिली सब एक साथ मैंने डाल दिया है अच्छे से। और इसे जो है हम मीडियम फ्लेम में आराम से पकाएंगे। फिर मैंने पीछे से मैंने इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड किया है अच्छे से। गैस का फ्लेम लो रखकर हमें इसे ब्राउनिश रेड कलर होने तक रखना है। तब तक जो है हम कढ़ी का घोल बना लेंगे। इसके लिए मैंने 4 चम्मच का बेसन लिया है, मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी डाला है और हाँ, सबसे जरूरी चीज जो है इसमें दही। दही डालने से जो है कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटता है। अगर आपके भी कढ़ी फट रहे हैं तो सब आप जो है दही यूज करें। दही मैंने 3 चम्मच के तकरीबन यूज किया है और उसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी। और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि आपको इसे एक ही डायरेक्शन में मिलाना है। आप चाहे तो ये स्पैचुला का भी यूज कर सकते हैं या फिर हाथ से ही एक डायरेक्शन में अच्छे से मिला सकते हैं। इसमें ना ही बबल्स रहेंगे, ये कम्प्लीट फाइन घोल रेडी हो जाएगा। फिर हम इसमें 3 कटोरी का पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, हमारा जो छौंक के लिए ये जो रेडी हो चुका है अनियन और कड़ी पत्ते का मिक्सअप, इसमें जो है हम धीरे धीरे कढ़ी को ऐड करेंगे।
और ये देखिए मैंने सारा घोल अच्छे से ऐड कर दिया है और ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है। ऊपर से कढ़ी बिल्कुल भी ना फटे इसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक छोटा सा पर बहुत जरूरी सीक्रेट जो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। कढ़ी बनाने के प्रोसेस में आपको सबसे जरूरी चीज ध्यान रखना है वो ये है कि आपको इसे कंटिन्यू चलाना है मीडियम फ्लेम में जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए झाग सा। कंटिन्यू इसे हम चलाएंगे ही और आप खुद ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो है थोड़ा सा हैवी सा चल रहा है, मतलब थोड़ा गाढ़ा हो रहा है। ये हमारा घोल कंप्लीट रेडी हो चुका है, ये देखिए कढ़ी जो है और इसमें जो है अब उबाल भी आना शुरू हो गए हैं बिल्कुल ये झाग सा। हमें जो है अब गैस का फ्लेम बिल्कुल ही लो कर देना है और अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे हमारी बनी हुई प्यारी सी पकौड़ियाँ। मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पकौड़े। ऐड करने के बाद हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है और अच्छे से इसे चला देना है। मैंने इसमें पकौड़े अच्छे से ऐड कर दिया है और अब जो है इसे हमें कढ़ी में अच्छे से भिगोते हुए चला देना है। चला देने के बाद जो है हमें इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढककर रख देना है ताकि जो है ये थोड़ा अच्छा सा स्पॉन्जी बिल्कुल बन जाए, ये देखिए। और ये हमारा अच्छे से चल चुका है, कढ़ी भी काफी अच्छा लग रहा है देखने में। हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ढक देंगे। ढक देने के बाद हम चलते हैं इसके सर्विंग के प्रोसेस में। ये हमारा कढ़ी और पकौड़ा और प्लेन राइस, सच में इसका जो कॉम्बिनेशन है किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। अगर मुझे ऑप्शन मिले कि चावल दाल और कढ़ी पकौड़े में क्या यूज करोगे, मैं तो चावल दाल छोड़कर कढ़ी पकौड़े प्लेन राइस के साथ ही खाना पसंद करूंगी। आप चाहे तो इसे थोड़ा और भी चटकीला बना सकते हैं, आप दोबारा इसे जो है छौंका लगा सकते हैं कड़ी पत्ते और जीरे का, उससे ये थोड़ा और भी टेस्ट इसका बढ़ जाता है। और ये देखिए हमारा जो है कढ़ी पकौड़ा और प्लेन राइस काफी अच्छे से रेडी हो चुका है। और मैंने इसमें यूज किया है कच्चे अनियन का स्लाइस और कुछ पकौड़े मैंने बचा रखे थे आम के अचार के साथ। ये देखिए दोस्तों ये काफी टेस्टी और यमी है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा है। तो दोस्तों आप भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एक बार जरूर कढ़ी पकौड़े बनाएं और सबको खिलाएं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा शुक्रिया है।